বিরতির যাওয়ার পূর্বে আমি অযোধ্যাপুরা পোনপটীয়া সম্প্রচার অব্যাহত রাখিছিল আর কিছু সময় পিছত পুনের আমি গীতাশ্রীর সঙ্গে সংযুক্ত হম। অন্য এখন ঠাইলৈ গেছে, আগবাড়ি গেছে। কিন্তু এই মুহূর্ত আমি আপনার জানাব বিচার যে যিধরণে এক উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করছে অযোধ্যাত, অযোধ্যার আকাশত নিউজ এইটিনের পুষ্পক বিমান। পুষ্পক বিমানত আছে নিউজ এইটিনের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আনন্দ নরসিংহা। और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सभी। सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। आप सबको नमस्कार और आपको दिखाते हैं एक बहुत खास दृश्य। ये देखिए, वो दूर देख रहे हैं, वो भव्य राम मंदिर है, दिव्य। रात में कितना सुंदर दिखता है और पूर्णिमा की रात में ये मंदिर जब बन जाएगा तो कितना सुंदर दिखेगा। जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब देखिए ऐसा ही दिखेगा राम मंदिर। अभी तो प्रभु राम का मंदिर अपने निर्माण अवस्था में है लेकिन ये जल्द पूरा हो जाएगा। हम उसे आपको पूर्ण स्वरूप में और पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और हम उसे जहां से देख रहे हैं वो जगह श्री अयोध्या में ही है, उससे थोड़ी दूर है। इस जगह का नाम मणि पर्वत है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर है। पूजा, इस जगह की भी खासियत है, बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। और देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो पाया आनंद। और टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ये जो दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं इसे हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है आपको दिखाने के लिए कि आखिर अयोध्या नगरी दिखती कैसी है। जी हाँ, अयोध्या नगरी तो दिखाएंगे लेकिन जहाँ हम खड़े हैं उसकी भी तो मान्यताएं और खासियत बता दें। इतिहास क्या कहता है इस जगह के बारे में, मणि पर्वत के बारे में कई सारी मान्यताएं। यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं कि ये पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। लेकिन हनुमान जी से भी जुड़ी एक कथा है इसके बारे में। बिल्कुल, मान्यता तो ये है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा और यही वो पर्वत का टुकड़ा है जहाँ हम खड़े हैं, जिसे हम मणि पर्वत कह रहे हैं। लेकिन साथ ही दर्शकों को हम ये भी बता दें आनंद की असली अयोध्या यात्रा तो अभी बाकी है, क्योंकि टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये आपको वही बताएंगे। जी हाँ, इसके लिए एक खास विमान को हम यहाँ बुलाने वाले हैं और मैं कोई जोर से आवाज नहीं देने वाला, आह्वान नहीं करने वाला, बस यहाँ देखूंगा और वो देखिए दूर कोई ये तो किसी पंछी की तरह है। जी हाँ, पंख तो पंछी की तरह है लेकिन ये पंछी नहीं है, ये खास विमान है जिसको हम लघु पुष्पक विमान कहते हैं। ये धीरे धीरे उड़ान भरते हुए आराम से टच डाउन करेगा। आना भाई, धीरे 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 धीरे, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। पौराणिक कथाओं में जो राम जी जिसमें अयोध्या में आए थे वो पुष्पक विमान तो बहुत विशाल काय था, ये थोड़ा लघु पुष्पक विमान है, छोटा मॉडल हमने बनाया है लेकिन सुंदर बहुत है। सुंदर भी बहुत है और इसकी खासियत भी है। अभी देखिए खुल गया, देखिए। अब आप बताइए कैसे खुला, यहां तो कोई कंट्रोल नहीं है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि पुष्पक विमान चालक के मन से जुड़ा था, तो रावण के मन से, प्रभु श्री राम के मन से जुड़ा हुआ था। यहां ये लघु पुष्पक विमान मेरे मन की ट्यूनिंग से है। अब देखिए ये क्या करेगा। अरे, इसके द्वार तो बंद हो गए और द्वार बंद हो गए हैं, लघु पुष्पक विमान में आनंद सवार हैं तो जाहिर तौर पर आपको कहीं तो लेकर वो जाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या दर्शन अभी बाकी है और ये दर्शन आपको आनंद करवाएंगे। कैसी दिखती है अयोध्या नगरी ये आपको आनंद बताएंगे। लेकिन आनंद, कहां जा रहे हैं आप इस वक्त? कहाँ जा रहा हूँ मैं तो आपको दिखाऊंगा, पहले तो देखिए कैसे मैं जाऊंगा। यहीं से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में फिर आपसे मिलता हूँ, अभी के लिए तो धीरे धीरे धीरे। तो ये लघु पुष्पक विमान के द्वार बंद हो चुके हैं, आनंद इसमें सवार हैं और ये उड़ान भर दी है उन्होंने। अब आपको बता दें कि ये आपको अयोध्या दर्शन कराएंगे, अयोध्या नगरी कैसी दिखती है ये बताएंगे, साथ ही रामलला का वो मंदिर जिसके लिए बरसों इंतजार किया गया है उसके बारे में वो आपको बताएंगे तस्वीरों के जरिए। लेकिन जरा डिटेल मैं भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दूं कि आखिर इस मंदिर की खासियत क्या है। देखिए, यहाँ पर 3 फ्लोर और 5 डोम यानी गुंबद बनाए गए हैं, 360 पिलर्स यानी कि स्तंभ इस मंदिर के अंदर हैं। कुल पिलर्स की संख्या आप देखिए और जो ऊंचाई है 161 फीट इस मंदिर की ऊंचाई है। इसके साथ ही अगर हम लंबाई की बात करें तो 360 फीट इसकी लंबाई है। चौड़ाई की भी बात करते हैं, उसका भी डेटा हम आपको दे दें, 235 फीट इसकी चौड़ाई है। साथ ही जानकारी ये भी है इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पर 5 पवेलियंस बनाए गए हैं, 12 गेट यानी कि द्वार इसके अंदर बनाए गए हैं जहां से प्रवेश कर सकते हैं, 57.4 एकड़ इस
मंदिर कॉम्प्लेक्स का एरिया है और 3 साल के अंदर ये कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण किया गया है। अभी कुछ हिस्सा और बनना इसका जरूर बाकी है। तो ये जानकारी हमने आपको दी, 3 फ्लोर का ये मंदिर, 5 गुंबद इसके अंदर। जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो कुछ ऐसा ये मंदिर दिखाई देगा। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको अयोध्या दर्शन कराएंगे, अयोध्या दर्शन के लिए सीधे आपको आनंद के पास लिए चलते हैं। आनंद, इस वक्त कहाँ पहुंचे आप? जी हाँ, इस वक्त मैं श्री अयोध्या जी के ऊपर हूँ, उड़ रहा हूँ लघु पुष्पक में। और देखिए, शाम में सरयू तट पर बनी ये राम की पौड़ी कितनी सुंदर हो जाती है, भव्यता आ जाती है इस रोशनी की चकाचौंध की वजह से, लाइट्स की चकाचौंध की वजह से। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ स्नान करना एक अलग ही आनंद है। कहा जाता है कि प्रभु राम इसी रास्ते से चलकर पवित्र सरयू में स्नान करने आते थे। राम की पौड़ी को लेकर एक पौराणिक कथा भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार जब लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया तो श्री राम ने अयोध्या में सरयू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व इस स्थल पर सरयू में स्नान करेगा उसे समस्त तीर्थ में दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होगा। श्रद्धालु इसी आज से यहाँ शुभ मुहूर्त में स्नान करने आते हैं कि उन्हें भी लक्ष्मण के समान पुण्य की प्राप्ति हो। तो अगर अयोध्या धाम आए तो राम की पौड़ी जरूर आए। और यहाँ एक लाइट शो होता है, साउंड एंड लाइट शो, रामायण की कथा का, बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है, अवश्य आइएगा। আর এনে ধরনের বিশেষ বিশেষ প্রতিবেদন আমি আপনার আগ্রহাই যাম অযোধ্যার পর। এখানে লোক সময় বাণিজ্যিক বিরতি। ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, राम सिया राम सिया के लिए मन में गंगा जिसके हाथ में है। जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में। विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम।
পাছত পুনে পুনে আমি অযোধ্যালৈ যাম। গীতাশ্রী আছে, গতিকে গীতাশ্রীয়ে আমাক বর্তমান পরিবেশ দেখুৱাই আছে। অন্য কিছু পরিবেশের মাজে গীতাশ্রী গৈছে, তারপর আমাক পোনপটীয়াকৈ গীতাশ্রীয়ে দেখুৱাব। গীতাশ্রী আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ। আমি অযোধ্যার কথা কলে পাপৰি আমি সৰজু নদীৰ কথা কবই লাগিব। অযোধ্যার এই রাম জন্মভূমি সৰজু নদীৰ পাৰত, আৰু এয়াই সৰজু নদী, এয়াই সেই সৰজু নদী যত কোৱা হয় ইয়াত যদি কোনোবাই স্নান করে তেনেহলে পুণ্য প্রাপ্তি হয়। আর চাকসন অকনমান কি ধুনিয়াকৈ ইয়াত রং বিরঙ্গী লাইটেরে সজাই তোলা হয়েছে গোটে অযোধ্যাত। এয়া এই ধরনের একটা রঙিন হয়ে পড়া পরিবেশ, আর নিশা ইয়াত বিভিন্ন এখন মঞ্চ ইয়াত সাজু হয়ে আছে। এই মঞ্চ সমূহত ইয়াত কিছু আয়োজন চলা দেখা গৈছে। আর এনেকৈ এই যে রাম কি পেরি বলে কোয়া হয়েছে বা এই কেটা দিন খুব চর্চাত আছে, বিশেষ টিভি মাধ্যমত, সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমত, এয়াই হয়েছে সেই রাম কি পেরি। আর কোয়া হয় যে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রই ইয়াত স্নান করেছিল, আর কোয়া হয় যে সেইভাবে এই স্থান দুখরার মহত্ব যে এবার হেনু লক্ষ্মণে কৈছিলে বা লক্ষ্মণে কৈছিলে যে তেও বহু তীর্থ ভ্রমণ করবে কোয়া হয় বা প্রবাদ আছে বা বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের লোককথা চলি আছে যে এবার তেও হেনু ইয়াত বহু তীর্থ ভ্রমণ করব তেওঁৰ মন গৈছিলে। তেতিয়া শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই কৈছিলে যে ইয়াত যদি স্নান কৰে তেনেহলে ইয়াত সেই গোটেই তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ পুণ্য অৰ্জন হয় বা সেই সমান পুণ্য অৰ্জন হয়। আৰু সেই তেতিয়াৰে পৰা এক কথা চলি আহিছে ইয়াত পূর্ণিমার দিনা বিশেষকৈ আৰু সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে যদি কোনোবাই স্নান করে তেনেহলে এই ধরনের একটা প্রবাদ এটা চলি আহিছে যে ইয়াত পুণ্য প্রাপ্তি হয়, সকলে পুণ্য অর্জন করিব পাৰে। আৰু সেই অনুসরিয়ে ইয়াত এনেকৈ দেখা যায় যে শ্রী আপনি যা দেখাইছে ওসর এখন মঞ্চ আছে আপনি কৈছে, গতি তাত কিবা তেনেকুৱা ধরনের অনুষ্ঠান চলি আছে নাকি, কথা বা তেনেকুৱা ধরনের কিবা অনুষ্ঠান চলি আছে নাকি? আৰু হয় মঞ্চত বর্তমান কিছু অনুষ্ঠানের বাবে তাত প্রস্তুতি চলি আছে, কিন্তু ইয়াত এগৰাকী আছে আমাৰ সৈতে বাইদেউ এগৰাকী। মেডাম থোড়া বলিয়ে আপ আপ কুছ ভজন সুনানা চাহিয়ে। জি 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 সুনাইয়ে। মেরা নাম দীপা শুক্লা হ্যায়, মৈ অযোধ্যা মে ভগবান রাম কি পরম ভক্ত হুঁ। মৈ উনকে লিয়ে চার লাইনে গুনগুনানা চাহতি হুঁ। লাইনো কে বোল হ্যায়, নগরী হো অযোধ্যা সি রঘুকুল সঘরানা হো, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। आप अयोध्या के हैं? आप अयोध्या के हैं? मैं अयोध्या की हूँ। तो माना जाता है कि यहाँ सरयू में स्नान करने से पुण्य प्राप्ति होता है? जी जी बिल्कुल, सरयू में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है जी। तो और भी ये कहा जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ आते थे, यहाँ स्नान करते थे? हाँ हाँ जी भगवान राम। कुछ बताइए इस स्थान के महत्व के बारे में, और कुछ अगर आप बता सके हमारे दर्शकों के लिए। जी इस स्थान की महत्ता ये है कि यहाँ पर पुण्य की प्राप्ति होती है, और गुप्तार घाट में भगवान राम गुप्त हुए थे, और यहाँ पर भगवान राम की स्थापना हुई थी, और अब से उनको दोबारा पुनर्स्थापित किया जा रहा है। तो मन में बहुत जी अच्छा। मैं अपने को यहाँ का नागरिक होने के नाते परम सौभाग्यशाली समझती हूँ। ये आज ऐसा माहौल है यहाँ जो हम रंग बिरंगी जो लाइटें देख रहे हैं, तो हमेशा से ऐसा ही है कि हमेशा हमेशा जब से मोदी जी आए तब से ऐसे यहाँ पे माहौल है, और अब ये दुगनित होने वाला है। तो अभी अभी यहाँ पे और क्या कुछ चलता होगा? यहाँ पे तो काफी भीड़ होता रहेगा।
बहुत बहुत भीड़ होती है। किस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है राम की पैरी पे? ये रामनवमी पे एक सबसे बड़ा उत्सव होता है, उस दिन होती है। और बस अब ये मेला शुरू है, अब ये पूरे साल दो साल लगातार चलते रहेगा, जब तक भारत के 150 करोड़ लोग जब तक दर्शन नहीं लेंगे तब तक ये मेला रुकेगा नहीं। आप भी स्थानीय निवासी हैं? नहीं, मैं मुंबई से आया हूँ। आप मुंबई से आए? जी जी, मुंबई से। आप पहले भी आ चुके हैं या फिर? जी बिल्कुल, हम लोग ये हमारा चार धाम ही हमारा सब यही है। तो आप कहाँ से, आप थोड़ा बताइए। हमारा यही अयोध्या में ही घर है, राम जन्मभूमि के पास ही। जी आपका यही घर है, तो आप अभी पहले का अयोध्या और अभी का अयोध्या के बारे में थोड़ा अगर हमारे दर्शकों का बता। बहुत अंतर है पहले की और अभी की अयोध्या में। राम की पैड़ी देख रहे हैं, यहीं पर दीपोत्सव का आयोजन होता है और हर साल यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं सबसे ज्यादा दिए जलाने के। और अब यहां रामोत्सव जो हो रहा है, ये जो आप LED शो देख रहे हैं यहां पर, लेजर शो, ये दीपोत्सव से स्टार्ट हुआ है और ये हमेशा रहेगा और इसके अंदर रामायण की कथा दिखाई। अयोध्या में हम जो दीपोत्सव देखते हैं तो यही सरयू के किनारे का बिल्कुल यही है। ये जो पूरा आप ये घाट देख रहे हैं, यहीं पर दीप सजते हैं और सीढ़ियों पे सजते हैं, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक रहते हैं। अब की बार हम लोगों ने 21 लाख से ज्यादा दिए जलाए हैं और उसमें कम से कम 15,000 वॉलंटियर थे, जिसमें हम लोग भी थे और हम लोग सहयोग रहता है और 15 मिनट के अंदर उन दियों को जलाना रहता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना रहता है। और थोड़ा बताइए कितना कितना दूर तक विस्तृत है ये पूरा घाट या फिर? ये राम की पैड़ी का एरिया है, यहाँ पर जो पानी भी आप देख रहे हैं ये सरयू से कनेक्टेड है और सरयू रिवर उधर है जो मुख्य है। ये थोड़ा आर्टिफिशियल कुछ बनाया गया? हाँ, आर्टिफिशियल बनाया गया, यहीं ज्यादा इसका गहरा नहीं है, थोड़ी बहुत है जिससे कि सुरक्षित भी रहे और पहले बहुत गहरा। और ये बताइए तो मोदी सरकार में या फिर योगी सरकार के इस देखरेख में तो इसमें थोड़ा और बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है, जो कि पहले की राम प्याड़ी थी, जो पहले की अयोध्या थी, वो अब की अयोध्या में इतना अंतर है कि उसका कोई भी मतलब कि मैच नहीं है। पहले की अयोध्या की जो सड़कें थी, छोटी सड़कें थी, यहाँ ट्रैफिक जैम लगता था और बाहर के लोग बड़ी अलग नज़र से देखते कि अयोध्या जाना है, क्लीननेस, नीट क्लीन सारी चीज़ें। लेकिन अब जो अयोध्या है वो वर्ल्ड क्लास सिटी, एक रिलीजियस सिटी के तौर पे इन्होंने बनाया है और जो कि योगी जी का और मोदी जी का एक विजन है कि वो इसको कल्चरल इकोनॉमी के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में इसको लोग देखें और इससे इंस्पायर होकर और भी चीज़ों को डेवलप करें। পাপৰি আপুনি শুনিলে যে এয়াই সৰযু ঘাট আৰু এই সৰযু ঘাটত বিশেষকৈ দীপোৎসৱৰ সময়ছোৱা, যি আমি ৰাম নৱমীৰ সময়ছোৱাত বা দীপোৎসৱৰ সময়ছোৱাত ইয়াত এতিয়া খুব ভিৰ থাকে, সেই দীপোৎসৱৰ সময়ছোৱাত যিসমূহ চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় সেই বন্তিসমূহ ইয়াত প্ৰজ্বলন কৰা হৈছিলে আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই লেজাৰ শ্ব', লাইট শ্ব', লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব' ইয়াত এই ধৰণে ইয়াত সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ একেবাৰে পৰিৱেশেই সুকীয়া হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ এইকেইটা দিনত সকলোৰে মুখে মুখে শুনা যি এটা শব্দ, ৰাম কি পেৰী বা হনুমান গঢ়ি, আৰু কিয়নো অযোধ্যা সকলোৰে মুখে মুখে আছে, কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ মুখত এতিয়া অযোধ্যাৰ কথা, ৰাম জন্মভূমিৰ কথা। এগৰাকী কণ মানি আছে, আপ কোন চি ক্লাছ মে হো, কোন চি কক্ষা মে হো? UKG সেকশন হে। আপকো আপকো কোন সা গানা গানা হে? ভজন রাম কে লিয়ে। থোড়া 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 শুনা দো। मेरी झोपड़ी के भाग यार खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पाल ना झूलाऊंगे, मीठी मीठी मैं वजन सुना। धन्यवाद। और या पापड़ी हाथ सपड़ी बजाइसे ते लोके সেই যি আমি কৈ থাকো বা আমি দেখি আছো যে খুবেই সুন্দৰ মুহূৰ্ত। গীতাশ্ৰী আপোনাক ধন্যবাদ জনাম, আপুনি আমাৰ সৈতে যিহেতু আছে প্ৰত্যেকখন বাতৰিতে বুলেটিনতে আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, আপুনি আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাই যাব আৰু আমি দৰ্শকসকলক লাইভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছো আৰু লগতে ৰাম কি পেৰীৰ পৰা গীতাশ্ৰীয়ে আমাক দেখুৱালে আৰু এতিয়া অযোধ্যাত কণ কণ শিশুৰ পৰা প্ৰত্যেকৰ মুখে মুখে এতিয়া ভজন কীৰ্তন। আমি এনেধৰণে খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, কিন্তু এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।